बोकारो के सेक्टर 4 स्थित मजदूर मैदान में विस्थापित संगठनों का समागम हुआ। इस समागम में बोकारो स्टील प्लांट के निर्माण में विस्थापित हुए विस्थापित परिवार के लोग शामिल हुए। सभी विस्थापित संगठनों के नेता इस समागम में मौजूद रहे। बोकारो विस्थापित मंच के बैनर तले इस समागम का आयोजन हुआ। मंच के प्रमुख संरक्षक पूर्व मंत्री उमाकांत रजक और मुख्य संयोजक पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बाटुल की अगुवाई में इस समागम का आयोजन किया गया। खाली जमीन को वापस करने, बकाया मुआवजे का भुगतान करने और नियोजन सहित कुल 33 मांगों को लेकर इस समागम का आयोजन किया गया। भारी संख्या में विस्थापित महिलाएं और पुरुष इस समागम में शामिल हुए। हालांकि कुछ ऐसे भी नेता रहे जो विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए थे। पार्टी लाइन को ध्यान में रखते हुए कई नेताओं ने इस समागम से दूरी बनाए रखी। हालांकि इस बात से लोगों के उत्साह में कोई फर्क नहीं पड़ा और हजारों की संख्या में विस्थापित शामिल हुए। सभी वक्ताओं ने मुख्य रूप से बोकारो में बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर के अपना आक्रोश जाहिर किया है। ऐसे में बोकारो स्टील प्रबंधन के लिए इन लोगों ने चुनौती भरे लहजे में जमीन वापसी को लेकर, नियोजन को लेकर, मुआवजे को लेकर और अन्य मांगों को लेकर प्रभावशाली ढंग से अपनी बातों को रखने का काम किया। JTN न्यूज ब्यूरो, बोकारो।